किसी ब्राह्मण को ये कहा गया कि आज मेरे पिताजी, कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप पवित्र त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले धर्मनिष्ठ सदाचारी ब्राह्मण हैं, एतावता हम बड़े आदरपूर्वक आपको श्राद्ध में निमंत्रित करते हैं। अब ध्यान दें, वो ब्राह्मण यदि निमंत्रण में नहीं जाएगा तो उसको पाप लग जाएगा, इसलिए निमंत्रण का अर्थ है निमंत्रणम नियोग करणम, निमंत्रणम नियोग करणम, नियोग करण माने जाना आवश्यक है, नहीं जाओगे तो पाप लगेगा। हमारे यहां सत्यनारायण व्रत कथा है कल, और कल फिर सत्यनारायण व्रत कथा के बाद फिर प्रसाद होगा, भंडारा होगा, तो भंडारे में इंद्रेशी आपका आमंत्रण है, क्या है आमंत्रण है, तो आमंत्रण शब्द से ये बात हो गई कि पितृ कार्य में जैसे ब्राह्मण की उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसे उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है। मान लो कोई विशेष परिस्थिति आ गई, आप नहीं आ पाए तो आपको दोष नहीं लगेगा, आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो ठीक है। अब लोग निमंत्रण पत्रिका नहीं लिखते, निमंत्रण पत्र नहीं लिखते, आमंत्रण पत्रिका पहले इसी, अब भले ही उनको अर्थ का मालूम ना हो पर आमंत्रण पत्रिका का अर्थ होता है आना हो, आओ ना ना हो मत आओ, ये आमंत्रण शब्द का अर्थ है। आपका यहाँ आमंत्रण है मतलब आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ, और निमंत्रण का अर्थ है कि जरूर आओ, आपके आए बिना काम नहीं चलने वाला है। तो देव कार्य जो है वो कामचार अनुज्ञा है और पितृ कार्य नियोग करण है, पितृ कार्य में प्रमाद नहीं होना चाहिए। सब काम छोड़कर पितृ कर्म करना चाहिए,